हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए है, जो 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि जगदीश कुमार सर है यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने एक ट्वीट करके जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है 2023 का, उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है और आपका एग्जाम 5 जून से लेके 12 जून के बीच में होने वाला है। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में सिलेबस डिस्कस किया था यूजीसी सॉरी सीयूईटी पीजी का, तो उसमें मैंने आपको पॉसिबल डेट बताई थी और मैंने ये बोला था कि जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम है वो आपका 30 मई तक कंप्लीट होगा, और उसके बाद में जो सीयूईटी यूजी के बाद में आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है जो जून साइकिल का है, जून 2023 का, उसकी डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है और वो डेट आपकी 13 जून से लेके 22 जून के बीच में है। तो मैंने आपको पॉसिबल दो डेट बताई थी, जिसमें पहली डेट आपको 1 जून से लेके 12 जून के बीच में बताई थी और दूसरी डेट थी जो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में बताई थी। लेकिन आपकी जो कंफर्म डेट है वो 1 से 12 जून के बीच में है और इसी टाइम आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास मुश्किल से 10 दिन तो वो अभी अप्रैल के हैं आपके पास, प्लस जो 30 दिन मई के हैं, ठीक है। तो आपके पास हार्डली 40 दिन है आपकी सीयूईटी पीजी या पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो स्टेट में इन्होंने जो एक तो डेट बताई है और दूसरा बोला है कि रेगुलरली विजिट एनटीए वेबसाइट, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट दी हुई है nta.ac.in, cuet.nta.nic.in फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज थी। और अभी नेक्स्ट हम जो सीयूईटी पीजी का सिलेबस है उसके बारे में एक बार डिटेल से डिस्कस करेंगे और वापस आपको ये बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन से। अभी 40 दिन है आपके पास में, तो अभी 40 दिन की आपके पास में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि फ्रिक्वेंटली कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो 2022 का सीयूईटी पीजी का एग्जाम हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे पहले जो यूनिवर्सिटीज अपने बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी तो उस टाइम में एग्जाम का फॉर्मेट क्या था, तो इस सारी चीजों के बारे में जो हाईलाइटेड पोर्शन है सिलेबस का, सिलेबस काफी बड़ा है आपका, लगभग 4-5 पेज का सिलेबस है आपका, तो ये काफी बड़ा पोर्शन है सिलेबस का। और जिन स्टूडेंट की अभी तैयारी चल रही है फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज का मतलब अभी वो सिलेबस कवर करने में लगे हुए हैं, और दूसरा स्टेज ये है कि जिस स्टूडेंट ने सिलेबस कवर कर लिया है उनके लिए भी एक अलग स्ट्रेटेजी है। तो पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो अभी सिलेबस कवर कर चुके हैं पूरा, ठीक है। उनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, तो अभी फिजिकल ज्योग्राफी में बात करते हैं। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी में आपको एक तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वेगनर की थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में अच्छे से देखना है और ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में देखना है, ठीक है। और इसमें एक रॉक्स क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, और जो बेसिक थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड उनके बारे में देखना है। उसके बाद में एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में आपको फॉल्ट एंड फॉल्ट्स के बारे में देखना है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में और इनके जो रिजल्टेड लैंडफॉर्म है, ठीक है, वॉल्केनिक और अर्थक्वेक के एक्टिविटीज के बाद में जो लैंडफॉर्म बनते हैं, फॉर एग्जांपल जो इंट्रेंसिक लैंडफॉर्म है वॉल्केनो के, फॉर एग्जांपल बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील साइट वगैरह, ये जो लैंडफॉर्म है इनको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में एक्सोजेनिक प्रोसेस में आपको जो ये लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं, फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड कास्ट, इस लैंडफॉर्म्स को देखना है। इरोजनल और डिपोजिशनल जो दो टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं, ठीक है, इरोजनल और डिपोजिशनल, उस लैंडफॉर्म्स के बारे में अलग अलग देखना है कि जो जलोढ़ निक्षेप से और अपरदन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ग्लेशियल, कोस्टल, ऐसे करके सभी का देखना है, ठीक है। और इसमें और कोई दूसरा टॉपिक इतना जो मेजर इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी, आपको क्लाइमेटोलॉजी में कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर देखना है, कॉम्पोजिशन का मतलब कौन कौन सी गैसों की जो हायरार्की है उसके बारे में देखना है आपको, और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, फिर ओजोन लेयर कहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किस लेवल पर होता है, ये सारी चीजें देखनी है, नॉर्मल है।
और हीट बजट के बारे में बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज पूछ सकते हैं कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसमें जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कितनी यूनिट है जो डिफ्यूज हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको हीट बजट को थोड़ा बेसिक चीज़ें एक बार देख लेनी है। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको जो विंड्स है, ठीक है, विंड्स एंड देयर कॉजेज ऑफ सर्कुलेशन, ये चीजें जनरल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जो टाइप ऑफ प्लेनेटरी पीरियोडिक एंड लोकल विंड है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है जो ट्रेड विंड्स है, ठीक है, ट्रेड विंड्स है, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर विंड है, तो ये जो पैटर्न है आपका ये देखना है आपको। और पीरियोडिक विंड है, पीरियोडिक विंड में जो मानसून से रिलेटेड है, जो हर 6 महीने में अपनी डायरेक्शन बदलती है, उनके बारे में देखना है, ठीक है। और उसके बाद में लोकल विंड्स, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप के ऊपर जो लोकल विंड्स है, ठीक है, हर्मटान है, गिबली है, सिरोको है, पूर्वा है, चिनूक है, बर्क जो बर्ग है, ठीक है, तो ये लोकल विंड्स कौन कौन से रीजन में बहती है उनके बारे में देखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक है अगला, वो ह्यूमिडिटी के बारे में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, इतना अच्छा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो जो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और जो ह्यूमिडिटीज के टाइप है उनको एक बार देख लेना है, ठीक है, गो थ्रू करना है। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, ये तो आपको इंडिया जियोग्राफी में। उसके बाद में एयर मासेज एंड फ्रंट्स के बारे में, तो आपको जनरली कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको पहले तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में देखना है कि इनका वेरिएशन क्या है, इनके बारे में बेसिक फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको एल नीनो और रिसेंट वेरिएबिलिटी फिनोमेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको एयर मास के बारे में देखना, कितने टाइप का है, कौन कौन से रीजन में कौन सी एयर मास है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको कुछ नहीं करना, कोपेन और थॉर्नफ्रेट का क्लासिफिकेशन में जो कोपेन का है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको अल्फाबेट याद रखने हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। और थॉर्नफ्रेट का भी आपको एक जो 1948 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इवोपो ट्रांसपोर्टेशन जो वाष्पोत्सर्जन से संबंधित था, उसको एक बार आपको देखना है, ठीक है, ये 1948 में दिया था, बस इतना याद रखना है। और उसमें कौन कौन से फैक्टर थे उनको एक बार देखना है। और फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये जनरल थिंग्स है, क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी में आपको हाइप्सोग्राफिक कर्वे के बारे में देखना है, तो ये क्या करता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप और अबेसल प्लेन और ट्रेंच तक का जो कर्व होता है उसको मेजरमेंट करता है, तो इसमें ज्यादा कोई डीप चीज है नहीं, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप अबेसल प्लेन, इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ओशन है जिसकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ सबसे बड़ी है, या कौन सा कॉन्टिनेंट है, सॉरी ओशियन है, जहाँ पे अबेसल प्लेन सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। फिर ट्रेंच के बारे में पूछ लेगा आपसे कि पैसिफिक ओशियन में कौन सा ट्रेंच है, आपको जैसे प्योटो रिको ट्रेंच दे दिया और फिर चारों जो ओशियन है उनका नाम दे दिया, या फिर आपको क्यूराइल खाई के बारे में पूछ लिया, मैरियाना ट्रेंच के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जैसे 90 डिग्री रिज के बारे में पूछ लिया, कौन से कौन जो सॉरी ओशियन में है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, रिलीफ फीचर ऑफ एटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जनरल थिंग्स रिवीजन करनी है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सलाइनिटी ऑफ ओशन, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको टेम्परेचर और जो ओशन की जो डेंसिटी, इसमें टेम्परेचर डेंसिटी और तीसरा एक फैक्टर है, टेम्परेचर तापमान हो गया, डेंसिटी घनत्व हो गया, और सलाइनिटी, इनका पैटर्न देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है आपका जो करंट्स है, ठीक है, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में करंट्स का जो पैटर्न बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखना है कि कौन से ओशन में कौन सी करंट बहती है। फॉर एग्जाम्पल जो 4-5 करंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल पहली हम्बोल्ट करंट हो गई जिसको पेरुवन करंट के नाम से जानते हैं, दूसरी लेब्राडोर हो गई, ठीक है, इर्मिंगर करंट हो गई, ठीक है, और पैनल करंट हो गई, उसके बाद में क्यूरोसियो और ओयोसियो करंट हो गई, लेब्राडोर करंट हो गई, इनका क्या लोकेशन थोड़ी याद रखने की है, ठीक है। तो इनको एक वर्ल्ड मैप पे आपको दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद में टाइड्स, टाइड्स के बारे में देखना है, ठीक है, कि टाइड्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो अकरिंग टाइम होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज है, ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद में मराइन डिपॉजिट के बारे में देखना है, ठीक है, और मराइन डिपॉजिट में पहले कोरल रीफ के बारे में देखना है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन क्या है, पोजिशन क्या है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। और ये 3 टाइप की होती है कोरल रीफ, उनका एक जनरल पैटर्न देखना है। उसके बाद में रिसोर्सेज के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी में जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसको देखना है आपको, कि ये टर्म होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, बायोम है, निक है, ये सारी चीजें इनको किस जो किस
किस व्यक्ति ने इन टर्म्स को डिफाइन किया था, और मेजर बायोम्स का देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टुंड्रा बायोम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सवाना बायोम की क्या है, डेजर्ट बायोम की क्या है, तो आपको ये टेम्परेचर, जो वेजिटेशन होती है, उनकी चीजों को थोड़ा देखना है। उसके बाद में फंक्शन के बारे में, आपके ट्रॉपिक लेवल है, एनर्जी फ्लो है, और जियोकेमिकल जो साइकिल है, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीजें आपको यदि पहले पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप चीजें हैं। जैसे ये ट्रॉपिकल लेवल वगैरह, ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। ये टॉपिक फंक्शन का रिलेटेड जो भी पूरा टॉपिक है, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये मुश्किल से 1 घंटे का, यदि आपके पास कंटेंट क्रिस्टल क्लियर है तो, ठीक है। नहीं तो ये चीजें बहुत डीप हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है ह्यूमन इंट्रेक्शन एंड इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें आपको ये पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइसलैंड, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। जो IPCC जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, उससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकती है कि फर्स्ट IPCC असेसमेंट रिपोर्ट कब जारी की, प्रेजेंट टाइम में अभी 6ठी रिपोर्ट पे निष्कर्ष चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो पहली से लेके 5वीं जो IPCC की रिपोर्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, उनके बारे में बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि IPCC जारी करता है। उसके बाद में एनवायरमेंटल पॉलिसीज है। अब एनवायरमेंटल पॉलिसीज में जो 4-5 मेजर मेजर है, कौन सी है, पहला है रियो डी जेनेरियो हुआ था, उससे पहले 1972 में स्टॉकहोम में जो कन्वेंशन हुई थी, उसके बाद में जो रामसर कन्वेंशन हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन से रिलेटेड, उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसके बाद में नेक्स्ट था आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये जो 5-7 मेजर जो एग्रीमेंट और सम्मेलन हुए थे वर्ल्ड लेवल पे, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि उसमें बनता है 100%। उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फंडा ये है कि ये पोर्शन हमने लैंड एंड डाइवर्सिटी, हमने NCERT कवर की थी, तो 11th की NCERT भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें ये सारी चीजें पढ़ ली है। तो आप एक बार जरूर जाके यूट्यूब पे चैनल जो प्ले लिस्ट है उसको देखिए, ठीक है। मुश्किल से 20-22 वीडियो है, पूरी 11th की NCERT को कवर किया हुआ है, उसमें सीजन, मानसून, ये सारी चीजें पढ़ी हुई, फिजिकल फीचर, उसके बाद में ड्रेनेज, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें अच्छे से वहाँ पे डिस्कस की हुई, रेनफॉल, लोकल विंड, मॉनसून, ये सारी चीजें। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, उसके बाद में जो 12th क्लास की 11th ज्योग्राफी, सॉरी 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो इंडिया के बारे में है, जिसमें पीपल इकोनॉमी और इसके बारे में है, तो उसमें ये सारी चीजें हैं, मिनरल पावर और ये रिसोर्सेज के बारे में, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आप कर लेना। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिक थॉट। अब ज्योग्राफिक थॉट में बहुत माजिद हुसैन की एक बुक है, माजिद हुसैन सर की, वो लगभग 300 पेज की है, तो आपको सारी चीजें कवर नहीं करनी है, अभी इतना टाइम नहीं बचा, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से मुश्किल से बनता है हार्डली, वो आप अपने कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर, इनका आपको क्या करना है, सीक्वेंस याद करनी है। पहले तो ये जो दे रखा है वैसी सीक्वेंस याद करनी है, जनरल क्वेश्चन आ जाएगा, 4 पॉइंट दे देंगे, ग्रीक, रोमन, अरब और चाइनीज का, इनको उल्ट फेर करके दे देगा आपको, ठीक है। तो ये जनरल पैटर्न याद रखना, फिर ग्रीक में कौन कौन से ज्योग्राफर्स हुए हैं उनका पैटर्न याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट में निपटानी है। नेक्स्ट है आपका डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पहला तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कौन कौन से ज्योग्राफर्स हैं, ठीक है, और उन ज्योग्राफर्स का इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इन सारी चीजों को, ये 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है, तो इनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब ये सारी चीजें मैं आपको गो थ्रू करने का बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम के हिसाब से आपको एंड में एक चीज बताऊंगा, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन में रेशियल ग्रुप के बारे में आपको देखना है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्किमो कहाँ पे रहते हैं, पिग्मीज कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये जनजातियों के बारे में देखना आपको। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, ये लैंग्वेज के बारे में देखना है कि जो वर्ल्ड में टॉप 5 लैंग्वेज है उनका आपको क्रोनोलॉजी होनी है, जो सॉरी सिक्वेंस याद होनी चाहिए आपको, क्रोनोलॉजी तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया।
आपकी सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ठीक है। एक तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो फैक्टर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन थ्योरीज, हेल्थ वेलबींग, ठीक है। ये भी हम 12th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। आप इस यूट्यूब ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल में ह्यूमन ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर माइग्रेशन हमने पढ़ लिया था, और इनके सेटलमेंट और अर्बन रूरल अर्बनाइजेशन प्रोसेस, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ लिया था, और अर्बन और रूरल सेटलमेंट आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, चार 11th की, दो 11th की और दो 12th की, उनका एनसीईआरटी का डिस्कशन आपके एग्जाम से 10 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये श्योर है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो जरूर कीजिए। उसके बाद में इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, अब इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में आपको एक तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखना है, कि इसमें भी मेजर क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, आपको जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर आपको पूछ लेंगे कि जियोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। तो कजलैन ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी, ज्यादा डीप में नहीं जाना। फिर फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज क्या होती है, इनके बारे में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या फिर दो कथन पूछ लेंगे फ्रंटियर और बाउंड्री के बारे में, तो सिंपल इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ज्यादा डीप में नहीं जाना। उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो बायोटा एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो इनमें आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है, उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बस इतनी सी बात। उसके बाद में वाटर फॉरेस्ट एंड सॉयल रिसोर्सेज, जिसमें टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, तो ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वाटर पॉल्यूशन से संबंधित जो इंडिया में मेजर्स लिए हुए हैं उनको देखना है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट को संबंधित है, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है 1974 का, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, तो इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट इतनी चीजें डीप में नहीं जाना आपको। मैंने जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्फ्रेंस और एग्रीमेंट बताए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। और यदि आपने अच्छे से कर लिया है इनको, तो रिविजन कीजिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनका डिस्कशन अभी चल रहा है, ठीक है। अभी शुरू करेंगे कल, अभी आज हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज, इसमें क्वार्टनरी और क्वार्टनरी एक्टिविटी, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के बारे में। यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस YouTube चैनल को फॉलो कीजिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर जियोग्राफी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, यही है एग्रीकल्चर जियोग्राफी। विद इन 5 to 10 days के अंदर आपको ये चीजें करवाई जाएगी, प्राइमरी क्रॉप कौन सी होती है, और शुगर कैन इनकी फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल और इनका जो सॉइल है, ये तीन चीजें देखनी है इनसे रिलेटेड, तो हम ये भी डिस्कस करवाएंगे आपको। नेक्स्ट है माइनिंग इकोनॉमी, ठीक है। फैक्टर ग्राउंडिंग, एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, वर्ल्ड रिजर्वायर एंड प्रोडक्शन, आयरन, बॉक्साइट, ये सारी चीजें। तो इसको वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज कौन सी है प्रोड्यूसर में, टॉप स्टेट कौन से है, तो ये सारी चीजें यदि आपने कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और हमारा प्लान है कि एग्जाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, एग्जाम से जस्ट लगभग आपका एग्जाम जून से स्टार्ट है, ठीक है, जून 5 जून से स्टार्ट है आपका एग्जाम। तो कोशिश करेंगे कि आपको 20 मई तक, 20 से 25 मई के बीच में आपको जो ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है। और उसके बाद में ये सारी चीजें हैं, एक बार आप अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखिए, और आपको जो शॉर्ट्स मिलेंगे, जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, उनसे गारंटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में, तो इसमें आपको सेम वर्ल्ड में टॉप कौन है और इंडिया में टॉप कौन है, और उनका एक जनरल पैटर्न देखना है, ओपेक कंट्री के बारे में पढ़ना आपको, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक के बारे में इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड पैटर्न देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में किस किस लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका ट्रेंडिंग जो ट्रेड से रिलेटेड, जो व्यापार से रिलेटेड ट्रेंड है इनका, वो देखना है कि वीट कौन सा देश प्रोडक्शन ज्यादा करता है, कौन सा देश ज्यादा इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें। और इससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग लैंड वाटर है, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी, ओशनिक रूट,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको 12th की एनसीईआरटी में होगी अभी। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसमें ये सारी चीजें आपकी 12th की एनसीईआरटी में कवर है, रिसोर्सेज के बारे में। तो ये आपका अभी डिस्कशन चल रहा है, तो विद इन 15 डेज ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी, कल्चरल लैंडस्केप में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेटलमेंट, ये वे सेम चीजें अभी अभी हम वर्ल्ड की डिस्कस कर ली थी, और इंडिया की आने वाले 5-7 दिन में ये चीजें डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, और इंडिया में इसको कौन लेके आया, और कौन कौन से रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन डोमेन थी। उसके बाद में इंडस्ट्रियल जियोग्राफी के बारे में, ठीक है, स्टील, सीमेंट, आयरन ओर, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसमें रेल, रोड, वाटर, एयर, पाइपलाइन, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से कवर करनी है, और साथ में एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी, और अच्छी आपको करने को, मतलब परमानेंट आपकी ये चीजें कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, तो जितने कितने भी जो 5 ईयर्स प्लान है, ठीक है, उसके बाद में जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे 6, 7, 8 या 10 प्रोग्राम ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर प्लान है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, उसके बाद में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम से इनकी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो उसके बाद में जियोग्राफिकल टेक्निक्स, जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी आपका पार्ट सी, ठीक है, इसमें कार्टोग्राफी से रिलेटेड है, आपको एनसीआरटी से ये चीजें डिस्कस रिविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ मैप, मैप साइंस के बारे में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो बुक्स है, उनमें जब चैप्टर शुरू होता है, तो शुरुआत के चैप्टर में जो बॉक्स में चीजें दे रखी होती है, डेफिनेशन, एक वर्ड दे दिया उनकी डेफिनेशन, एक वर्ड दूसरा दे दिया उनकी डेफिनेशन, तो वो आपके रटी हुई होनी चाहिए, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जियोइड दे रखा है, लॉक्सोड्रोम दे रखा है, तो लॉक्सोड्रोम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट जो शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में दे रखी है, 11th और 12th की प्रैक्टिकल जियोग्राफी के शुरुआत में, तो मैं आपको एक सेशन के माध्यम से वो सारी चीजें एक जगह लाके उनको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो एक बार आप वहां से वो चीजें देखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो टाइप ऑफ मैप और स्केल के बारे में, ठीक है, जो 4 प्रकार के मैप की एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, जो टोपोग्राफिकल मैप है, वॉल मैप है, एटलस मैप है, कैडेस्ट्रियल मैप है, तो इनका स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ पूछ लेते हैं, तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें कंफर्म करनी है। उसके बाद में ये प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, लिमिटेशन क्या है, जेंथल, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा सीधा का सीधा। ठीक है, तो इसको भी आप, ये मुश्किल से 20 या 25 मिनट का एक टॉपिक होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका जो रिलीफ, स्वयं रिलीफ रेशियो, शेडिंग एंड काउंटर के बारे में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा आपका, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। ठीक है, और टॉप सीट के बारे में थोड़ा पता करना है आपको। उसके बाद में मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिंग वेदर डाटा, जो 11th के एनसीईआरटी है आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, उसका लास्ट चैप्टर है वो इस वेदर डाटा के संबंध में, तो आपको वहां से देखना है, वहां पे जो बैरोमीटर है और जो अलग अलग जो विंड वैन है, ठीक है, रेनफॉल से संबंधित है, टेम्परेचर से संबंधित है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, इनसे संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक लिस्ट बना के दे रखी है। उसके बाद में मैपिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये सारी चीजें, डोट, आइसोप्लेथ एंड कोरोप्लेथ मैप मेथड के बारे में, तो ये 12th की एनसीईआरटी में आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है, तो वहां से आप एक बार जरूर रिवीजन कर लेना उनका। नेक्स्ट है सर्वेइंग टेक्निक्स। अब सर्वेइंग टेक्निक्स में आपको सर्वे के बारे में बेसिक चीजें, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डाटा कलेक्शन का मेथड क्या है, ठीक है, जो शुरुआत से लेके कहने का मतलब डाटा कलेक्शन से लेके डाटा एनालिसिस तक का जो प्रोसेस होता है, उसको क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। ठीक है, चैन एंड टैप सर्वे, ठीक है, तो सिलेबस में जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल एंड स्टेटिकल डाटा, तो इसमें आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम और मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, मतलब इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस पोर्शन को। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखना, नॉमिनल, बाइनियल एंड पॉजिटिव, प्रैग्मेटिक एंड नॉन प्रैग्मेटिक, पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में देखना है। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, एक तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी को मजबूत करना है,
एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और हिस्टोग्राम को, ये तीन चीजें मजबूत करनी है। नेक्स्ट आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में अच्छे से देखना, बाकी चीजें हो या अभी पढ़ ली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इन चीजों पे फोकस करना, क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे। उसके बाद में रिमोट सेंसिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल, टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग कितने टाइप का होता है, उसके बाद में एरियल फोटोग्राफी। अब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो एजेंसी जो है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, एरियल फोटोग्राफ कहाँ पे है, रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, ये तो बेसिक चीजें हैं इनका, एनसीआरटी से आपको देखनी है। उसके बाद में सैटेलाइट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स क्या है, जो स्टेज क्या है रिमोट सेंसिंग का, उसके बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद में जीआईएस के कंपोनेंट क्या है, फंक्शन क्या है, वेक्टर एंड रोस्टर फॉर्मेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, ये 12th क्लास की एनसीआरटी है, उसमें आपका एंड चैप्टर, लास्ट का चैप्टर है जीआईएस का, वहाँ पे इंडेक्स बना रखी है, इधर वेक्टर डाटा इधर रोस्टर डाटा, तो ये वो इंडेक्स है जो आपको देखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उस इंडेक्स से, ठीक है, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बता दूंगा यदि आपको कन्फर्म नहीं है तो, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम के बारे में देखना, सेगमेंट एंड इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो इसके संबंध में भी हम जो बेसिक नोट्स है उनको देख लेंगे। अब आपको यदि आपने इस सिलेबस को कवर कर लिया है तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनको आप बार बार रिवीजन कीजिए और थोड़ा डीप में पढ़िए। और साथ में क्या करना आपको, अब बेसिक पहली जो अप्रोच है वो आपको क्या करनी है, पहले उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको रिविजन करना है प्लस एमसीक्यूज निकालना है, ठीक है। प्लस आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में जियोग्राफी से संबंधित आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक्स है एमसीक्यूज की, उनको लाके एमसीक्यूज निकालना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कुछ जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको डीप पढ़ना है, ठीक है, डीप रीडिंग। और नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन से जो सॉरी एनवायरमेंट से संबंधित है, जियोग्राफिक टेक्निक से संबंधित है, तो इनसे संबंधित आपको क्या करना है कि जो थ्योरी पोर्शन है उसको थोड़ा डीप पढ़ने की उसको समझने की कोशिश करना है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल कोरियोलिस फोर्स के बारे में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप क्लियर कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तीर तुक्के से हो जाए वो अलग बात है, नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब जिन स्टूडेंट की तैयारी अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, उनके लिए पहली बात तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं उनको आप पढ़िए, ठीक है, अपने जो भी अपने आपके पास स्टडी मटेरियल है उनसे। और 11th और 12th की एनसीआरटी जिसका अभी डिस्कशन चल रहा है, जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी, जिनका सिलेबस कवर हो चुका है उनके लिए भी ये कॉमन बात है, ठीक है। तो 11th और 12th की एनसीआरटी का डिस्कशन चल रहा है, उनको एक बार आप जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद में जिनकी अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है उनको क्या करना है कि एक बार 11th और 12th की एनसीआरटी को आपको जो सेलेक्टिव पोर्शन है उनको रीड आउट करना है। उनको कैसे करना है कि यदि आपने सेल्फ पढ़ा है पहले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है कि जो जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल है यहाँ पर एनसीआरटी का डिस्कशन चल रहा है और 5 जून से आपका एग्जाम है, ठीक है। और हो सकता है जियोग्राफी का एग्जाम शुरुआत में हो जाए या जनरली एंड में ही होता है, ठीक है, तो आपको 10 जून के आसपास जियोग्राफी का एग्जाम होगा, तो डेट शीट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा। तो 20 से 25 मई के आसपास आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी पार्ट वाइज, ठीक है, पार्ट वाइज, पार्ट ए बी और सी, पॉसिबल हुआ तो हम सी पार्ट तक कवर कर लेंगे, लेकिन ए और बी पार्ट को तो कंफर्म कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम का ट्रेंड है प्रीवियस का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। तो आप मेक श्योर कि आप ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ज्योग्राफी वाला जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप एनसीईआरटी का आपने बुकों को पढ़ लिया है, ठीक है, तो लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं वैसे हम कुछ जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपको हाईलाइट करके देंगे, उनको एक बार आपको जरूर पढ़ना है, जरूर उनको गो थ्रू करना है, ठीक है, तो आप उनको भी जरूर पढ़िए, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, सेशन मिल जाएंगे, और आपको टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले मिलने वाले हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और जो भी प्रोसेस होगा उसको आपको बता दिया जाएगा कि जो नोट्स है उनको आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हमने,
कि जो मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उनको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलिए आप अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। जिन्होंने सिलेबस को कवर कर लिया है उनके लिए यही राय है कि सिलेबस को जितनी बार हो सके रिविजन कीजिए, और जो मेजर पोर्शन है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जाम्पल रॉक इस टाइप का जो राउंड किए हुए हैं, उनको आप डीप पढ़िए थोड़ा, और सिलेबस को रिवीजन करते जाइए। फिर एमसीक्यूज को कंटिन्यू करिए, पीवाईक्यूज को देखिए, ठीक है। और उसके बाद में जिनका सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, वो अपने अभी टाइम है आपके पास, 40 दिन खूब होते हैं, ठीक है। अभी यदि आप डेली की 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, तो एक बार आप सिलेबस कवर कीजिए जितना जल्दी हो सके, उसके बाद में रिविजन कीजिए। और जी ज्योग्राफी वाला जयपुर जो यूट्यूब चैनल है, वो आपकी इस प्रिपरेशन में एंड में हेल्प करेगा, जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में, चलिए थैंक यू।